बनते ना पकोड़े, पकोड़े उसकी दाल है। और ये देखिए दाल बना रहे हैं अभी भैया जी, ये देख किसकी दाल है भैया, ये चने की है, मसूर। अच्छा अरहर चना मसूर की दाल है। और ये देखिए बैंगन का भरता अभी तैयार किया जा रहा है। दाल अच्छी है, बहुत टेस्टी है, और ये भरता भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैंने चेक किया है अभी। कढ़ी भी बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। ऐसा लग रहा है जैसे हम घर का ही खाना खा रहे हैं, गांव में जो खाते हैं ना। ये क्या चीज़ है, ये बाटी है, बाटी है, ये बाटी चेक कर दे एक बार। ठीक है, अजवाइन डली हुई इसमें, अजवाइन और नमक और साथ थोड़ी मिर्च भी डली हुई है। दोस्तों मैं सचिन नजावर, फिर से न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे होटल पर पहुँचे हैं जो कि गौ कृपा बुंदेली भोजनालय, जो कि शुद्ध शाकाहारी भोजनालय और कलयुग का भोजनालय। तो चलिए दोस्तों आपको हम ऐसे होटल में लेके चलेंगे आज, इस पर बना हुआ है होटल है, और ये मेरे सामने NH 44 जा रहा है और इस पर ये होटल बना हुआ है। हरे भरे पेड़ों के बीच में बसा हुआ एक होटल जो कि गौ कृपा बुंदेली भोजनालय, कलयुग से व्यवहारी तक। चलिए दोस्तों चलते हैं, बुंदेली होटल के अंदर प्रवेश करते हैं हम। दोस्तों होटल में प्रवेश करने से पहले हम यहाँ पे चप्पल उतारी जाती हैं, क्योंकि अंदर चप्पल पहन के बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए बिल्कुल जो पुरानी प्राचीन समय की जो खाट होती थी ना, वो अभी मौजूद है मेरे सामने, मैं दिखा दूँ आपके लिए। ये दोस्तों भैया बैठे हैं, नमस्कार भैया। क्या नाम भैया आपका? मेरा शिव प्रताप सिंह। शिव प्रताप सिंह भैया, कब से होटल चल रहा है आपका? अपने 1.5 साल हो गए। तो मतलब किस पर्पस से खोला है? मैंने सुना था पहले कि सनातन धर्म का बहुत बढ़ावा मिल रहा है इस होटल में आके, तो मतलब किस, मतलब कैसे हुआ ये? अपन ने इसको ध्यान में रखते हुए खोला है कि जो अपना पुराना गांव का भोजन था चूल्हे पे बनने वाला, जी जी, वो लोगों तक पहुँचे, उसको खिलाया जाए। शुद्ध भोजन है ना, भोजन है घी का बना हुआ चूल्हे पर, मिट्टी के बर्तन पर, स्टील का नहीं है, कोई भी बर्तन स्टील का नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें हम जो होटल में आए हैं, इसमें कोई भी मशीनगिरी, कोई भी स्टील का भोजन मतलब बर्तन इस्तेमाल नहीं किया गया है। शुद्ध शाकाहारी देसी और स्वास्थ्य के लिए एकदम बहुत अच्छा भोजन कराया जाता है यहाँ पर। मैं आपको दिखा दूँ, जो प्राचीन समय में झोंपड़ियाँ होती थी ना, वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको ले कर चलते हैं हम आगे। ये देखिए ये प्राचीन समय में जो होती थी वो चीज़ आज हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो टेबल कुर्सी पे खाना चाहता है वो खा सकता है, और नीचे बैठ के भी खाना खिलाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको नीचे बैठ के खाना खिलाया जाएगा। ये प्राचीन समय के जो बर्तन हुआ करते थे, प्राचीन समय के जो खेल खिलौना, ये देखिए यहाँ पर बैठा के भोजन किया जाता है, धरती में बैठा के। और ये गाय के गोबर का और मिट्टी का चौका दिया गया है, ये देखिए गाय के गोबर और मिट्टी का चौका दिया गया है। इस होटल में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे प्राचीन समय की जो चीज़ हम पढ़ते आ रहे थे, जो चीज़ हमने सुनी थी अपने बुजुर्ग माता पिता से, आज हम उन चीज़ों को देख रहे हैं अपनी आँखों से। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा होटल है, धरती में बैठा के खाना खिलाया जाता है। अभी हम खाने के लेके चलते हैं, खाना कहाँ बनता है। चलिए दोस्तों अब हम खाने के पास लेके चलते हैं जहाँ पे खाना बनता है। अब हम चलते हैं, देखिए जो कि अपने हाथों से खाना बना रहे हैं, कोई मशीनरी नहीं है, कोई मशीन का इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है, अपने हाथों से। ये देखिए आंटी जी लगी हुई है अभी, ये देखिए क्या है, दाल है ना ये? हाँ, बड़े वाली दाल है भाई। हाँ, ये बड़े वाली दाल है, बड़े जो बड़े बनते ना पकोड़े, पकोड़े उसकी दाल है। और ये देखिए दाल बना रहे हैं अभी भैया जी, ये देख किसकी दाल है भैया, ये चने की है, मसूर। अच्छा अरहर चना मसूर की दाल है। और ये देखिए बैंगन का भरता अभी तैयार किया जा रहा है। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के आकर, क्योंकि मैं प्राचीन समय की जो कहानियाँ उन्हें देख रहा हूँ आज। ये देखिए चूल्हा बना हुआ है यहाँ पे, इस पर अभी रोटी बनाएंगे।
और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। ये देखिए अनाज रखा हुआ है, अनाज पहले साफ किया जाता है, उसके बाद अपने हाथों से पीसा जाता है। और ये शायद ये बिनौला वाली छाछ है जो चलाई जा रही है। ये देखिए छाछ चल के तैयार हो गई है, क्योंकि इसमें से रायता बनेगा, रायता लस्सी जो भी बनेगी। अब हम आपको लेके चलते हैं, पूरा गार्डन भी बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए चने की दाल सुखाई गई है यहाँ पे, दाल सुखा के रख रखी है इन्होंने। प्राचीन समय के बर्तन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई स्टील का बर्तन नहीं है, प्राचीन समय के जो मिट्टी के बर्तन है वो यूज किए जा रहे हैं। अभी हम खाना भी खाएंगे, देखेंगे कैसा टेस्ट है। ये देखिए दोस्तों, भैया रेट क्या है इसकी खाने की? अपना थाली है अभी जो पूरी थाली जो है वो 200 रुपये, 200 रुपये की। उसमें क्या क्या मिलता है? उसमें है कड़ी है, दाल है, बैंगन का भरता है, और मक्का बाजरा गेहूँ की रोटी है जी। तो कितने ग्राहक आ जाते हैं डेली, कितने आ जाते हैं? हो जाते हैं 50-60। 50-60 थाली निकल जाती। तो दोस्तों अगर आप भी कभी आओ झांसी, तो झांसी से 45 किलोमीटर दूर ये होटल है, ज़रूर आना और मुझे बताना मैं आज आया हूँ यहाँ पर। ये देखिए प्राचीन समय के जो रेडियो चलते थे वो आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए मतलब सारा प्राचीन समय का जो इस्तेमाल किया था, प्राचीन समय में जो चीज़ इस्तेमाल की जाती थी वो आज यहाँ पर मौजूद है हमारे सामने। मैं आपको मेनू दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए बुंदेली भोजनालय, छाछ दाल कढ़ी भरता लहसुन चटनी चावल भात गौरस रोटी बाजरा रोटी मक्का रोटी गेहूं मकैया चूरमा लड्डू बरा बूरा। चलते दोस्तों हम खाने की, एक बार खाना आएगा हमारे पास, खाना चेक करेंगे खाना कैसा है यहाँ का, उसके बाद। वेलकम टू बुंदेली होटल। प्राचीन परंपरागतों से बना हुआ ये होटल जो कि NH 44 पर झांसी से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। अपने हाथों से बनाया जा रहा है यहाँ पर खाना, और गाय और के गोबर और मिट्टी से दिया गया चौका में जमीन में बैठा के किया कराया जाता है भोजन। प्राचीन सामान, प्राचीन कुर्सियाँ, प्राचीन परंपरागत रीति रिवाजों के बना हुआ ये होटल जो कि बुंदेली होटल गौ कृपा। प्राचीन समय के रेडियो, प्राचीन समय के मोबाइल और प्राचीन समय की खाटें जो कि आज हमें देखने के लिए मिल रही है। ये देखिए भैया पानी लेकर आए हैं, पत्तल बिल्कुल धो के लाए भैया, और इस पे बैठा के ये ज़मीन में बैठा के खाना खिलाएंगे। देखिए यहाँ पे बैठा के और इनको धो के लाएंगे, बिल्कुल साफ़ करके मैं दिखा दूँ आपके लिए। देखिए धो के लाएँ, गीली रखी हुई हैं अभी। तो अभी हम चलते हैं आके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अभी देखता है। भोजन की थाली लगाई जा रही है देखिए, और ये तांबे के गंगा सागर रखे हुए, धरती में बैठा के भोजन कराया जाता है आराम से। और ये देखिए यहाँ पर बैठ के भोजन किया जाता है रेस्ट में। ये क्या चीज़ है भैया? बड़ा है ये, बड़ा है दही बड़ा। अच्छा, ये बुरा है चीनी भरी थी। अच्छा ये चीनी, ये बूरा और चीनी का दिया है। चूरमा लड्डू है, ये चूरमा का लड्डू है। ये देखिए दोस्तों चूरमा का लड्डू दिया है, ये खीरा है,
अच्छा ये जो आप देखे जा रहे हो ये एक एक बार ही मिलेगा? अच्छा ये लड्डू बड़ा एक एक बार और बाटी, और ये लस्सी है मिल जाएगी, ये छाछ है। अच्छा ये छाछ है, ये कितनी बार ले लो? जितनी बार आपको पीना। अच्छा जितनी बार आप पी सकते हो जितनी बार, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो लड्डू दिया है चूरमा का, और छाछ दी है रायता, ये दही बड़ा है, और ये लहसुन की चटनी है, और अभी ये बूरा है। तो ये दही बड़ा लड्डू और बाटी तो एक बार दी जाएंगी, और छाछ और रोटी बार बार ले सकते हो आप जितनी बार खा सकते हो। और ये भरता है बैंगन का, और ये दाल है। अच्छा 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 ओके। और ये किसकी रोटी है? ये बाजरा रोटी है सर। बाजरा? ये मक्का वाली। ये मक्का वाली, ये गेहूं वाली। अच्छा रोटी कितने में ले लो? जितना आपको खाना है ना, ठीक है। तो दोस्तों ये गेहूं की रोटी है, ये बाजरा की है, सॉरी मक्का की, और ये बाजरा की इसके नीचे। तो और ये भरता है बैंगन का, ये दाल है, ये कड़ी है। तो दोस्तों बहुत अच्छा भोजन है, बहुत शुद्ध भोजन है, अच्छा है। और ये लस्सी है छाछ, जितनी आपको पीनी है जितनी पेट पी सकते हो। तो चलिए दोस्तों भोजन शुरू करते हैं हम। दाल अच्छी है, बहुत टेस्टी है, और ये भरता भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैंने चेक किया है अभी। कढ़ी भी बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। ऐसा लग रहा है जैसे हम घर का ही खाना खा रहे हैं, गाँव में जो खाते हैं ना। ये क्या चीज़ है? ये बाटी है, बाटी है, ये बाटी चेक करते एक बार। ठीक है, अजवाइन डली हुई इसमें, अजवाइन और नमक, और शायद थोड़ी मिर्च भी डली हुई है। अच्छा लग रहा है, पर बहुत अच्छा, चटनी भी अच्छी है, दही बड़ा भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बहुत। आओ कभी झांसी आओ तो 45 किलोमीटर दूर इस बुंदेल होटल में ज़रूर आना दोस्तों, और मेरे लिए बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको खाना कैसा लगा। लग गए कि एक बार में आदमी जग जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर, टेस्टी लगी मुझे चटनी और दाल और कढ़ी। लड्डू भी अच्छा है, काजू डले हुए हैं लड्डू में, किशमिश भी है, मिश्री भी डली हुई है, मिश्री के दाने होते हैं छोटे छोटे वो डले हुए हैं। बाटी भी अच्छी है, जो कि मोटे अनाज से बनी हुई है बाटी, घी में भिजा के दी है, बहुत टेस्टी खाना, बहुत अच्छा। तो काफ़ी शुद्ध प्रसिद्ध खाना खाने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, और काफ़ी अच्छा पेट भरा है। अब मेरे पर लगता है चला भी नहीं जाएगा क्योंकि अच्छा पेट भरा है। नहीं रहने दो, ये रहने दो, नहीं। और अभी कुछ लेके आए, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। तो कभी आप भी आओ झांसी तो ज़रूर आना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। चलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का स्वागत है।